हाँ नहीं रोई रोई करते, नहीं करते रोई रोई, अभी दवाई पीनी है। हाँ चल मैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कृषु की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी। सुबह हम दवाई दिलवा के ले आए थे उसको। मैं जल्दी में था सुबह, तो मैं दवाई दिलवा के सीधा ही जिम चला गया था। तो कृतिका आई थी उसको दवाई दिलवा के। मैं आपको दिखा देता हूँ सुबह का जो जो भी सीन था, कैसी हालत हो रही थी कृषु की, देख लो। और हम गए थे कृषु की दवाई लेने के लिए, तो कृषु की दवाई भी ले ली है। कृषु को थोड़ा फीवर बताया है, तो कृषु अभी बहुत ज्यादा रो रहा है, कल रात से ही रो रहा है, अभी भी रो रहा है। तो मैं फटाफट से कृषु को दवाई देती हूँ। यह फीवर की दवाई, और ये देखो कितना रो रहा है। क्या हुआ मेरा बच्चा? यह फीवर की दवाई, और ये देखो कितना रो रहा है। क्या हुआ मेरा बच्चा? कृषु की थोड़ी तबीयत सही है ना शेना? अगर कृषु को दोबारा बुखार आएगा रात को, तो हम कल कृषु को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। और अभी मैं मेरे साथ कृषु खेल रहा है ना शेना? खेली तो अभी मैं कृषु के साथ खेलती हूँ। और वो कृषि थोड़ी पड़ी है ऊपर, बस क्या बालों खा में रहा जा रहा है। है? सुन कृषि तो, क्या खा रहा है? पापड़? पापड़? तबीयत ठीक है अब? है? कल से तो ठीक ही है, वरना कल रात तो बहुत ही ज्यादा कल से इस बुखार, टाइम बुखार चढ़ गया था इसको, बुखार चढ़ना शुरू। रात को इतना ज्यादा गर्म हो गया बहुत ना। गर्म था। फिर भी आया ना, कहना बेकन पिंडा दे तो पिंडा दे। तो गाइज, मैं अभी अभी घर आया हूँ और कृषु की तबीयत थोड़ी ठीक है पहले से, पर पूरी ठीक नहीं है। देखो कैसे अभी भी। पुत्र, ओ पुत्र, क्या हो गया पुत्र को? दर्द हुई थी कहाँ पे? शर्मे तो गाइज, कृषु ना अपना, अभी कृषु के दांत आ रहे हैं। तो जब दांत आते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि बच्चा थोड़ा सा बीमार होता है। हाँ मम्मी। बीमार होता है, दंद कटने आसान नहीं है भाई, सिर तो जोर पैंदा है। क्या आते थल्ले वाले रहने? चाहे थल्ले आ रहे हैं चाहे ऊपर आ रहे हैं, सिर तो पैंदा है। आपको थल्ले वाले दिख रहे हैं, मुझे ऊपर वाले दिख रहे हैं। ऊपर वाले कहाँ, नीचे से आ रहे दो दांत। हाँ मेरे को देख, तभी वो मूवी बना रहा है ऐसे ऐसे। मेरे को ऊपर वाले दिखते हैं। नहीं ऊपर वाले वैसे वाइट दिखते हैं, मांस दांत नहीं है वो, वाइट वाले मांस दिखता है इसका। मुझे नीचे वाले दिखते ही नहीं। तो गाइस, कृषु दांत वो निकाल रहा निकालेगा है, ना तो उसे थोड़ा सा निकालेगा, बड़ा इसे हो रहा काटने है का मेरा नहीं बेटा, पता धीरे मुझे। धीरे मुझे प्रॉब्लम्स का पता ही सामना कर रहा है। कोई बात नहीं, मांस फाड़ के निकल दें दांत। हंस भी नहीं रहा देख, पहले पुत्र कहने पे कैसे हंसता था। पुत्र पुत्र हंसता है अभी भी पुत्र। तो पुत्र की जो दवाइयां हैं वो पुत्र को दे दी हैं। हैं, क्या हुआ, क्या हुआ पुत्र? तो गाइज, दवाई दिलवा दी थी तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा आराम आ रहा है। बहुत ही गर्म हो जाता है इसका माथा जब मैं हाथ लगाता ठीक है। आज को नहीं है नो ऐडा गर्म हो जा, घुमांदे रहे हैं नो, घुमा के अंदर ले आऊं रहा, सोन ते आया पे बार कर दी घुमांदे रहे हैं। पर फिर भी डॉक्टर ने कहा था चेक करा लेना, हाँ तो चेक तो कराना एक बार पड़ेगा। कल फिर लेके जाना पड़ेगा भाई दोबारा, कि भाई क्यों कर रहा है ऐसे। कोई ऐसी अच्छी सी दवाई दो जिससे ठीक हो जाए ना। उत्तर मैं चिपक जाऊंगा। पुत्र, वो देख पुत्र, ये क्या है इधर देख, क्या है नाले ये कौन है? शक्ल से लग रहा है गाइस। तो गाइस यार, कितना क्यूट सा है ना कृषु हमारा, देखो अरे इसे मच्छर कैसे ने भी काट लिया था, कैसे रो रहा है ये। मुंह बड़ा बड़ा के रो। ना पुत्र के दांत तो देख लो आ रहे हैं। ना क्या, ना देखो दांत, तुसी देखोगे तो कौन और देखेगा, परेशान होएगा। कौन कहने पीछे की कारण है? ऐसे पीछे बुआ मुंह तो फुआरा मार दी गरी था, और नया नु कहेंगे थोड़ी गरी ले आके ना कच्ची या दूसरी चबा लेगी अच्छी तरह मुस्कान, ऐसे मुंह फू कर देगी फिर। और आपा नहीं कराने आप पुराने रिवाज, एवे मुंह च पा के थू कर देगी। पकड़ियो नहीं कराने ना करो,
पहले भी एक बंदे ने कमेंट किया कि ओ ये पैरों का धुला हुआ पानी क्यों पिला रहे हो। क्यों पिलांगे ने दसो जरा। बड़िया ने पैर का पानी पिलाई था ताकि वो जल्दी काम हो जाए। आशीर्वाद होता है। किसी दे ऊपर थूक सकना की अच्छी गल होंदी है। थूक सकना थोड़ा होंदा है। मैं गरी खा के गरी है और जड़े फोड़ दे मुंह झाड़ा बस एंदे खवाना है। नु खवाना नहीं है ना, कुका मारना है। खवाना खवाना नहीं ना, थूक सकना है ना करना बस। की में करना है कुका जाएगा अंदर। की में करना है। मैं नहीं कर सकती मम्मी। हैं मैं नहीं कर सकती। मां नहीं कर सकती। की में करना है मम्मी। की में करना है। तो बीड़ी पींदे ने लोग। बीड़ी पी के धुआं मार दिया मुंह ते। इसका मतलब आपने पी है। तूने पी है बीड़ियां। तेरे पास वो भी है लाइटर। कहाँ रखा है तूने? मेरे पास है कि आपके हाँ। पास था? कहाँ है लाइटर? बैग से निकला वो लाइटर। मेरे बैग से नहीं निकला, तूने मेरे को लाइटर दिया। लाइटर निकला मेरे बैग तो मम्मी केड़ा लाइटर देखा। ऐ जान के मम्मी मेरे नाल लोग कर दिए प्रैंक कि भाई मम्मी देखे कि लाइटर निकलता है इसके बैग से और ये पकड़ा जाए। मेरा ये देखो लाल लाल लाइटर आग भी जलती है इसमें से। ते मम्मी जे लाइटर हैगा बाबू तो नहीं है। हां देखा मम्मी को मेरे पे यकीन होता है। मम्मी तो हमेशा आपका ही साथ देगी भाई। साथ की गल नहीं, मैं कब उसने मोमबत्ती जला रही थी। मोमबत्ती बैग ऋषिकेश ये गए थे। ऋषिकेश ये गए थे। बाबू कहां से चला गया? ये ले गया वो लेके। मम्मी आप इनका साथ दो। उधर को मान के ले गया वे बैग इच पाके। तो मेरा साथ ही देगी मेरी माँ बस। और मेरा साथ कौन देगा? तेरा साथ देगा। तेरे क्या साथ? तू क्या साबित करना चाहती है लाइटर कि ये लाइटर किसका है और कहाँ से आया? मम्मी मेरे को लाइटर दे कलेक्शन है। एक और पड़ा है। एक बंदा उत्थे गया सी साड़ी जिम में मनाली, तो मेरे वास्ते अलग टाइप का एक लाइटर लेके आया। हे भगवान, खराब लाइटर दे रखा। गैस नहीं है उसमें। गैस भरवानी पड़ती है भाई। ज्यादा हीरो ना बोलो। गैस भरवानी पड़ती है। डैडी लंदे से डैडी की गैस भरवा के लेना। गाइस मेरे को लाइटर रखने का शौक है। ये कलेक्शन है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। डैडी भी रख दे तो जलाना जी आता होगा। नहीं डैडी नु शौक सी तो फिर मेनू भी वही शौक ही है। मैं कोई बीड़ी पीता हूं यार। सिगरेट बीड़ी। क्या कर रहा है पुत्र? पुत्र पुत्र। तो गाइस यार ये बातें तो सारी चलो ठीक है, पर यार पुत्र ना मेरा ठीक होना चाहिए। ठीक है तो प्रे करना आप। मैं इसको बार बार जिम से वीडियो कॉल करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ भाई ठीक है, कहीं रो तो नहीं रहा ज्यादा, कहीं परेशान तो नहीं कर रहा है ना पुत्र? है ना पुत्र? देखते क्या बात कर रहे हैं। अब वैसे स्माइल भी नहीं करता देखो, जैसे हमेशा कर रहा था ना, आते ही मैं कहता था पुत्र। फिर भी चलो चलो झेल रहा है। बाकी यार प्रे करना आप लोग, और आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और मैं अब इस लाइटर से जा रहा हूँ सिगरेट पीने। तेरा नुकसान है सिगरेट पीने।